नानपुर जिला परिषद सदस्य सह समाज सेवी हाफिज अंसार अहमद ने पीड़ित परिवार से मिलने नानपुर थाना क्षेत्र के मनियाडीह पहुंचकर परिवार से मिलकर उन्होंने सांत्वना दिया। साथ ही उन्होंने मृतक परिवार मोहम्मद साद के पिता मोहम्मद मुश्ताक को निजी कोष से 1,30,000 रुपए भी दिया। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील भी किया कि मृतक हाफिज साद का परिवार गरीबी से जूझ रहा है, लोगों को बड़ा दिल दिखाते हुए मध्य के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कुछ राजनीतिक पार्टी और मुट्ठी भर लोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए सामाजिक सौहार्द को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, जो देश में रहने वाले सभी अमन पसंद लोगों के लिए खतरनाक साबित होगा। सरकारें बनती हैं और गिरती हैं, लेकिन एक बार नफरत पैदा हो जाए तो घाव भरने में कई साल लग जाते हैं। केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कानून लाया जाए, ताकि देश के किसी भी जाति और धर्म के नाम पे किसी की जान न जाए। साथ ही उन्होंने हाफिज साद की हत्या के मामले में लोगों को कठोर से कठोर सजा दिलवाने की अपील की है। गौरतलब हो कि 31 जुलाई की देर रात्रि हरियाणा के गुरुग्राम की मस्जिद के नायब इमाम मोहम्मद साद मध्य रात्रि में हिंसक भीड़ के शिकार हो गए थे। घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई थी। वे नानपुर थाना क्षेत्र के मनियाडी गांव के रहने वाले थे। अब चूंकि ये घटना हरियाणा नूह की है, तो सरकार तो वहाँ की पूरी तरह से जिम्मेदार है कि फिरका परस्तों को, दंगाइयों को काबू में रखे और ऐसे लोगों की सरजनिश करके जल्दी से जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाए, ताकि ये जुल्म फिर दोबारा ना हो, दूसरे के ऊपर नहीं हो, और उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। मेरी तो कॉल है, मुझे उम्मीद है कि उन लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ऐसी सज़ा होनी चाहिए ताकि कोई भी फिरका परस्त, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, न हिंदू किसी मुसलमान के साथ ऐसा जुल्म करे, न कोई मुसलमान किसी हिंदू के साथ ऐसा जुल्म करे। जुल्म तो जुल्म है, जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो थम जाता है, और खून तो खून है, गिरता है तो जम जाता है। जो चुप रहेगी जुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्ती का। ये जो कत्ल हुआ है हाफिज साद साहब को, जो शहीद किया गया है, सबसे पहले ये पूरी हमारे मिल्लत के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा अलमिया है। और यही नहीं, अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू को भी ऐसे कत्ल करता है तो हम उसकी भी सरज़निश करते हैं, हम उसके लिए भी बहुत ही अच्छी बात नहीं समझते हैं, बल्कि ये उसको बहुत बुरा समझते हैं। हमारा मानना है कि हिंदू मुसलमान यहाँ सदियों से रहते हुए आए हैं और सदियों रहेंगे, इसलिए ये जो फिरका परस्त लोग जो वरगला कर वोटों की राजनीति कर गद्दी पे कैसे बैठा रहा जाए, अक्सरियत को कैसे गुलाम बनाया जाए, अकलियत को कैसे डराया जाए, अकलियत कैसे डर के सहमी हुई रहे, और अक्सरियत के भाइयों को वरगलाने की बात है। हम समझते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर आज भी 60% हमारे बरादर वतन ऐसे हैं जो जमहूरियत को पसंद करते हैं और हिंदू मुस्लिम भाईचारा की मिसाल हैं वो लोग। अगर हिंदू मुस्लिम भाईचारा की मिसाल वो लोग नहीं होते तो फिर और लोगों का जीना या रहना यहाँ बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन चूंकि वो लोग हमारे साथ हैं और उससे हम लोगों को बड़ी तकवियत मिलती है, मुसलमानों को बड़ी तकवियत मिलती है, जमहूरियत और सेकुलरिज्म के हिंदू भाई आलमबरदारों से बहुत तकवियत मिलती है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अगर कोई एक आदमी कातिल है तो पूरी कौम कातिल हो गई, और एक आदमी मुजरिम है तो पूरी कौम मुजरिम हो गई। नहीं, जो मुजरिम है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ऐसी कोई बात नहीं है। हम आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन हमको ये बात दिमाग में रखना चाहिए कि जैसे हमारे हिंदू भाई बड़े भाई की तरह हैं, तो मुसलमान भी उनका छोटा भाई है। आपस में जो लोग लड़ाना चाहते हैं उन लोगों की सरजनिश करनी चाहिए और उन लोगों से दोनों फिरका के लोगों को बचना चाहिए। अगर उनका कोई वो कता वो नज़म जो उन्होंने मरने से 4 दिन पहले पढ़ी है, अगर वो कोई सुन ले तो कोई भी मुहिब वतन उन पर रश करेगा उनके ऊपर कि ये कैसे मुहिब वतन थे जो मरने से 4 दिन पहले ये दोहा ये शेर कह के गए कि जालिम को इंसान बना दे ऐ अल्लाह, नफरत की दीवार गिरा दे ऐ अल्लाह, हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में, हिंदू मुस्लिम
बैठ के कहा है थाली में ऐसा हिंदुस्तान बना दे अल्लाह। ये उनकी सोच थी। और वो एक इमाम थे, मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे, लोगों की इमामत करते थे। तो देखिए उनके दिल से ये दुआ निकल रही अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने वतन अजीज के लिए। तो ये हमारा ईमान है, हम मुसलमानों का अपने वतन पे मर मिटने का आह्वान करते हैं कि अगर वतन पे आ जाएगी तो हमारा सारा मुसलमान, जैसे हमारे हिंदू भाई वतन पे मर मिटने के लिए तैयार हैं, उसी तरीके से हमारा मुसलमान भी अपने वतन पे ऐसे ही मर मिटने के लिए तैयार हैं। तो आपने देखा होगा, और मैं अपने भाइयों से कहता हूँ कि ये भाई, ये जो उन्होंने शेर कहा है और जो पढ़ा है, इस दोहा को पूरे हिंदुस्तान में जन जन तक पहुँचाना चाहिए कि देखो आपने तो फिरका परस्त ने तो मार दिया, फिरका परस्त तंजीम ने मार दिया, लेकिन उनका जो ये शेर है आज हमारे कानों में हम गूंज रहा है और हर मुहिब्बे वतन के कानों में ये गूंज रहा है। तो ऐसे ऐसे मुहिब्बे वतन पर गोली चलाना या उनको जान से मार देना, ये पूरी इंसानियत का कत्ल है।